नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं, देखते हैं आपकी पर्सन की क्या एनर्जी है और अगले 3 दिन इस रिश्ते में क्या बदलाव आ सकते हैं, उनके फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके इंटेंशन क्या है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। सबसे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। जो कुछ भी एनर्जी आप आएगी मैं आपको बताऊंगी, इस रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या है, उनके क्या हालात है, उनकी क्या सिचुएशन है और इस रिश्ते में क्या कुछ हो सकता है, क्या बदलाव आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, उससे पहले लाइक आपको ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर ज़रूर सेंड करना है। आपको अपने पर्सन के ऊपर फोकस करना है, सोचना है उनके बारे में। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते कि जैसे कि कोई कोई बात ऐसी हो सकती है जो क्लियर होना बाकी है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन कुछ बातों को क्लियर ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपके पर्सन को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है आपके पर्सन को। नंबर 8, देखो नंबर 8 यहाँ पर बहुत खास है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि जैसे कि आपके पर्सन ने जो जो दिया है शायद वही लौट कर आया है आपके पर्सन के पास। किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि अगर आपके पर्सन ने कुछ बातें ऐसी कह दी हैं या आपको दुख दिया है या हर्ट किया है, हो सकता है कि किसी ने इस इंसान को हर्ट कर दिया है। ये जाहिर सी बात है, जो इंसान देगा वही तो लौट कर आएगा ना। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया है तो किसी ने इस इंसान को भी हर्ट कर दिया है, डेफिनेटली। कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसे हालात है कि जो इस इंसान को खुद वो बातें पसंद नहीं आ रही हैं। वो कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात हो सकती है। कुछ ऐसा घटित हो रहा है इस इंसान की ज़िंदगी में जो इंसान खुद नहीं चाहते कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो। वो चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे इनके घर में कोई इशू हो, किसी किसी के साथ रेजोनेट ऐसा भी करेगा कि इनके कोई कोई बचपन से ऐसे हालात रहे कि जो इंसान हो सकता है किसी बात से वो नाराज़ है, अपनी फैमिली से नाराज़ हो सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को बचपन में जब माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए था वो प्यार नहीं मिला, दोस्त नहीं मिले अच्छे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि जब जब इस इंसान को जिस जिस की ज़रूरत थी, ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने इस इंसान को साथ नहीं दिया है, सपोर्ट नहीं किया है। जैसे कि इस इंसान को एक होता है ना कि नफरत सी हो गई है, किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि इस इंसान के ज़िंदगी में इस इंसान ने कुछ ऐसे दुख झेले हैं कि इस इंसान का अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा है। किसी किसी के साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि इस इंसान ने किसी से धोखा खाया है, तो इस इंसान का जैसे कि प्यार पर से भी भरोसा उठ गया है। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि इंसान आपको चाहते बहुत हैं, इस इंसान को लगता है कोई इतना अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपके पर्सन ने हो सकता है कि इतने धोखे खाए कि अब आपका अच्छापन भी इस इंसान को खटकता है। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान ने जो धोखे खाए तो इस इंसान को लगता है कोई अच्छा हो ही नहीं सकता दुनिया में। तो आप जो इस इंसान के साथ अच्छे रहते हो तो आपकी अच्छाई पर भी ये इंसान शक करता हो। किसी किसी के साथ रिजल्ट होगा कि आपके पर्सन इस रिश्ते को बदलना भी चाहते हैं, चेंज भी करना चाहते हैं, और ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके किसी एक्शन का इंतजार कर रहे हो। अगर आप चाहते हो इस रिश्ते में आगे बढ़ना तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आपने खुलकर बोलना चाहिए, आपने अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपाना है। आपके पर्सन को अट्रैक्शन तो बहुत हो रहा है आपके लिए, जिस तरह से आप फ्लेम है वो बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए, जिस तरह से आप एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन जल्द से जल्द इस रिश्ते में कुछ बदलाव लेकर आना चाहते हैं, वो खुद भी इस रिश्ते में चेंज लेकर आना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि वो इंसान भी आपको चाहते हैं, आप भी उनको चाहते हो। कोई नसीब का भी खेल हो सकता है किसी किसी के लिए। ऐसा हो सकता है कि दोनों प्यार एक दूसरे से बहुत करते हो, लेकिन कुछ हालात ऐसे कि शायद कुछ गलतफहमियां हो रही हैं, आपके पर्सन आपको नहीं समझ रहे हैं या आप इस इंसान को नहीं समझ रहे, हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसा भी किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा, पर बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। यहाँ पर प्यार भर भर के हैं लेकिन गलतफहमियां भी भर भर के हैं। किसी किसी के साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि इस इंसान के लाइफ में जो इतने ज़्यादा ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने इनको धोखा दिया, या इस इंसान को जब प्यार मिलना चाहिए था माँ बाप का वो नहीं मिला, किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा। तो इस इंसान को ना किसी के ऊपर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि वो अट्रैक्शन इतना ज़्यादा फील कर रहे हैं और मिलना भी चाहते हैं, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, कछुए की चाल से चल रहा है इंसान, बहुत धीरे धीरे, ठीक है, एक्शन तो लेना चाहते हैं। का दिल कहता है कि दौड़ कर भाग कर आए आपके पास, और दिमाग कहता है कि थोड़ा सब्र कर, थोड़ा इंतज़ार कर। किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि जो इस इंसान को दुख मिले हैं अपनी ज़िंदगी में, जो इस इंसान ने संघर्ष किया है, हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि बहुत लोगों ने दुख दिया है, लेकिन
इस इंसान की जो जो मुस्कुराहट है उसकी वजह आप हो। इस इंसान को ये फील होता है कि इस इंसान की ज़िंदगी में आपने खुशियों भरे लम्हे लेकर आए हो आप। इस इंसान को ये बात बहुत एहसास हो रहा है इस इंसान को कि हर किसी ने इस इंसान को दुख दिया, हर किसी ने इस इंसान को अवॉइड किया, समझा नहीं, इनके हालात को नहीं समझा। आप इकलौते ऐसे इंसान हो जिसने इस इंसान को सपोर्ट किया, इस इंसान का साथ दिया। जब भी इस इंसान के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है उसकी वजह आप हो। ये इंसान इस बात को मानता है, उसको पता है कि आपने हर वक्त इस इंसान के अच्छे के बारे में सोचा, आपने हर वक्त इस इंसान को सपोर्ट किया। कभी कभी आपके पर्सन किस्मत को बहुत दोष दे रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि जब भी जो भी इस इंसान को पसंद आता है जैसे कि किस्मत उनसे छीन लेती है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के लिए भी एफर्ट डाले थे, ठीक है, या आपने बहुत अगर एफर्ट डाले हैं तो इस इंसान को ऐसा लगता है क्या फ़ायदा, कितना भी एफर्ट डाले, कितना भी ये रिश्ता आगे लेकर जाए लेकिन शादी नहीं होने वाली। कुछ निगेटिव ख्याल में आपके पर्सन आज दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं उनको डर लगता है कि वो बहुत एफर्ट डालेंगे, वो बहुत आगे भी जाना चाहेंगे लेकिन फ़ायदा नहीं क्योंकि शादी नहीं होने वाली। इस इंसान को ऐसे डर में ये इंसान आजकल दिखाई दे रहा है। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि जिस तरह से आप एनर्जी हैं, आपके पर्सन अगले 3 दिन बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस में भी रह सकते हैं और इस इंसान का जो ओवरऑल जो एनर्जी है इस इंसान को परेशान कर सकते हैं। इस इंसान को जो विश्वास नहीं है ना इस रिश्ते पर कि आप दोनों की शादी हो सकती है, ये बात इस इंसान को बहुत नाराज कर सकती है। वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है कि अगले 3 दिन आपके पर्सन स्ट्रेस में रह सकते हैं, परेशान हो सकते हैं किसी बात को लेकर। और कुछ लोग आप ऐसे कि इंसान बहुत ज़्यादा किस्मत को कोसने वाला है, किस्मत के ऊपर बहुत नाराज होने वाले हैं आपके पर्सन, जैसे कि कोई पजल सी है, ठीक है। हो सकता है किसी किसी के साथ ऐसा रिजल्ट करेगा कि जैसे कि बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश भी होगी अगले 3 दिन। जो प्रॉब्लम है जैसे कि होता है ना कि पजल का आखिरी टुकड़ा, वो कंप्लीशन नहीं आ रहा है, वो आखिरी टुकड़ा नहीं मिल रहा है, कुछ मतलब कुछ जो गलत फहमियाँ हैं उसको सॉल्व कैसे करें। हो सकता है कोशिश बहुत की जा सकती है प्रॉब्लम है उसको सुलझाने की, लेकिन हो सकता है कि जैसे कि पजल का आखिरी टुकड़ा ना मिले, कुछ आधी अधूरी बातें, ठीक है। कोशिश होगी, बात करने की कोशिश होगी। यहाँ पर मस्कुलिन एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। किसी किसी के लिए अगर आप एक लड़की है तो आपके पर्सन की मूछें हो सकती हैं, इस इंसान के डोले शोले हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। किसी किसी के लिए जिम वगैरह जाते हो, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हो आपके पर्सन। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते, स्पोर्ट्स वगैरह ज्वाइन किया है इन्होंने, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं तो वो अपने आप को हेल्दी बनाना चाहते हैं। किसी किसी का ऐसा रेजोनेट करेगा कि बहुत दिनों से इंसान परेशान है, किसी किसी के लिए इंसान डिप्रेस सा है, अपनी हेल्थ का वो इंसान ख्याल नहीं रख पा रहा है। अगर ऐसा है तो वो इंसान डिसाइड कर सकते कि अब उनको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है क्योंकि वो बहुत कमज़ोर सा भी फील कर सकते हैं। एक कमज़ोरी से इस इंसान को फील हो सकती है अगले 3 दिन, ठीक है। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं आपके पर्सन के लाइफ में फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ऐसी बातें घटित हो रही है जिन बातों से इंसान खुद परेशान है, वो खुद नाराज है। किसी किसी के लिए बहुत कम लोग ऐसे भी हो सकते कि या तो आप पहले फ्रेंड थे, ठीक है, और कुछ लोग आप ऐसे भी हो सकते कि आप इस इंसान को अभी भी फ्रेंड मानते हो, ठीक है, और ये इंसान आपको प्यार की नज़र से देख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं या आप दोनों की जो फ्रेंड है वो एक हो सकते हैं, कोई फ्रेंड को लेकर ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है किसी किसी के लिए रेजोनेट करेगा कि अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं तो कोई और इस झगड़ों का फ़ायदा उठा रहा है। हो सकता है कि कुछ गलतियाँ इंसान नहीं भी करता है तो भी आपके कान भरे जाते हैं। कुछ लोग ऐप पर ऐसे हो सकते हैं कि इंसान नहीं भी गलती करता तो भी आपके कान भर दिए जाते हैं। आपको इस इंसान के खिलाफ एक आपके मन में चिड़चिड़ाहट पैदा हो इसलिए कोशिश की जाती है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपने खुद भी ये महसूस किया कि कोई और आपको जैसे कि इस इंसान के खिलाफ बातें भड़का के गुस्सा दिला रहा है, और अगले 3 दिन भी ऐसा हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। डेफिनेटली यहाँ पर प्यार है, ये रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है जितना कि आपका पर्सन इस रिश्ते को कमज़ोर समझ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि रिश्ता बहुत कमज़ोर है, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ने वाला। कुछ लोग आप ऐसे कि आपके पर्सन को लगता है कि आप तो उनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते, वो इंसान तो अपने आप को बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि अपने आप को समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि नहीं वो आपसे इतना प्यार करते तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में निगेटिव थॉट्स हैं और अगले 3 दिन भी वो निगेटिव थॉट्स बने रहेंगे। इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता। इस इंसान को कहीं ना कहीं ये बात आप मजबूर कर रहे हो सोचने के लिए।
हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग, बहुत कम लोग ऐसे भी हैं कि आपने जो बर्ताव किया है या तो पास्ट में किया है या अभी आप अगर ऐसा कुछ बर्ताव कर रहे हो, तो इस इंसान को ये सोचने पर आप मजबूर कर रहे हो कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, आप दोनों की शादी नहीं हो सकती। कुछ बातें बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन ऐसी इस इंसान का जो हालत है, जो नेगेटिव थॉट्स में आपके पर्सन जा रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हो सकते हो। कुछ लोगों के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा, ठीक है। कुछ प्लानिंग भी कर सकते हैं आपके पर्सन, अगर वो आपको मनाना चाहते हैं, ठीक है, और अगर वो आपको मना नहीं पा रहे हैं, तो कुछ लोग आप ऐसे कि अगले 3 दिन वो कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसी योजना बना सकते हैं कि वो कुछ भी करके आपको समझाएंगे। जो लोग यहाँ पर ऐसे कि आप रूठ गए हो, मैं उनके लिए बता दूँ कि आपके पर्सन आपको समझाने की, आपका जो गुस्सा है उसको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग आप ऐसे कि आपके पर्सन प्यार बहुत करते हैं, लेकिन जो विश्वास नहीं है ना, हालात के ऊपर विश्वास नहीं है, डेस्टिनी के ऊपर विश्वास नहीं है, ये बातें इस इंसान को और भी कमजोर कर सकती हैं, ठीक है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग है, या अगर नहीं है तो वो चाहते कि कुछ बनना है, कुछ कर दिखाना है। हो सकता है किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि ये इंसान अपने आप को साबित करना चाहता है, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, घर वालों को साबित करना चाहते हैं या आपको साबित करना चाहते हैं। हो सकता है किसी किसी के साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि इस इंसान ने बहुत ताने खाए हैं, ठीक है, या तो घर वाले ताने मारते हैं या तो आपने कभी इस इंसान को ताने मारे हो। हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा, ठीक है, कि अगर ये इंसान कुछ करता नहीं तो आपने कुछ बोल दिया होगा कि कुछ कमाओ, कुछ काम करो तो शादी होगी, कुछ ऐसा हो सकता है। अगर आप एक लड़की है तो हो सकता है कि आपके घर वालों ने आपको बोला ये तो कुछ कमाता भी नहीं है तो आप शादी कैसे करोगे, ऐसा भी किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं, पता नहीं कितनों के साथ ही रेजोनेट करेगा। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि इस इंसान के लाइफ में कोई ऐसी व्यक्ति है जो इस इंसान को आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा हो या कर रही हो, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति आपको इस इंसान से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कोई ऐसी व्यक्ति हो सकती है जो जैसे कि आपको धोखा दे रही हो या दे रहा हो। जिस तरह से अपना जो है किसी की जलने की वजह से भी रिश्ता खराब हुआ हो किसी किसी के साथ, ऐसा भी रेजोनेट करेगा। वैसे कोई दोस्त हो सकता है आपका, ठीक है, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है जो आपसे जलता है जलती है और इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश उसने बहुत की है। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं, और अगर ऐसा है तो अगले 3 दिन भी उसकी कोशिश जारी रहेगी कि रिश्ता खराब हो जाए, आप दोनों एक दूसरे से बात ना कर पाए, ऐसी कोशिश कोई और कर सकता है। कुछ लोग आप ऐसे भी कि ये जो इंसान है आपका जो पार्टनर है, इसके चाहने वाले हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है कि किसी का ये क्रश हो और ये कोशिश कर रहा हो कि इंसान कुछ भी करके बस आपसे दूर हो जाए। एक तरफ तो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है और दूसरी तरफ इस इंसान में ईगो भी हो सकता है। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट आपको लाइक करना है। देखते हैं क्या एनर्जी रहेगी अगले 3 दिन, आपके पर्सन किस हाल में रहेंगे, क्या उनकी फीलिंग्स रहेगी, ठीक है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। ओके, सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन अगले 3 दिन आपको एक पल के लिए भी नहीं भूल पाएंगे। आपके पर्सन पुरानी यादों में बहुत ज्यादा खोने वाले हैं, ठीक है। कैंडल बॉक्स में हमने देखा कि यहाँ पर कंप्लीशन, आपके पर्सन को नहीं लग रहा है कि कंप्लीशन आएगा, और यहाँ पर अगले 3 दिन की जो एनर्जी हमने निकाली, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इमोशनल कंप्लीशन आ सकता है। एक ऐसा फील हो सकता है आपके पर्सन को कि आपके जैसा पार्टनर उनको नहीं मिलने वाला। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि जैसे कि आपके पर्सन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ जैसे कि जल्दबाजी बहुत है इस इंसान के अंदर, इस इंसान की जल्दबाजी बहुत काम बिगाड़ भी देती है। आपके पर्सन विक्ट्री चाहते हैं जो कि इस इंसान को लगता है कि नहीं मिलेगी, और वो कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि वो कोशिश छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कि वो आपके पास आएंगे नहीं। मन में निगेटिव थॉट्स होंगे जैसे कि हमने कैंडल वैक्स में देखा, लेकिन इमोशनली फुलफिलमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस इंसान के अंदर जल्दबाजी है, और हो सकता है कि जिस तरह से आप एनर्जी है, किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि इंसान कोई पावरफुल हो सकते हैं। किसी किसी ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि आपके पर्सन या तो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी वो कोई बिजनेस कर रहे हैं। किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है अगले 3 दिन। किसी किसी के साथ ऐसा रिजल्ट करेगा
कि जो आप सोच रहे थे कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता, अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो ये आपकी सोच आपको सोचने पर मजबूर करेगी, क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। द चैरियट की एनर्जी यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है गाइस, ठीक है। कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, कैंसर राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की, विक्ट्री की एनर्जी है। आपके पर्सन जीत चाहते हैं और उनको जो कॉन्फिडेंस नहीं था, उनको जो डर लगता है हमेशा कि पता नहीं क्या होगा इस रिश्ते में, तो बहुत ही यहाँ पर खूबसूरत एनर्जी है कि विक्ट्री होने वाली है। आपके पर्सन के अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है जो वो बोल नहीं पा रहे थे कब से, उनके मन में इमोशंस बहुत हैं लेकिन वो जो बोल नहीं पा रहे थे। तो हो सकता है कुछ लोग आप ऐसे दिल की बात बोलेंगे, आपके पर्सन ने जो पास्ट में आपके साथ लम्हे बिताए वो उनको बहुत ज़्यादा याद आने वाले हैं। आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। अगर ये इंसान ऐसा फील कर रहा है ना कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, या इस इंसान को ऐसा फील हो रहा था कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो पहले जैसा, ये जो गलतफहमियां है वो दूर हो सकती है। कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि आपके पर्सन को कोई कंट्रोल करता हो, कोई पावरफुल व्यक्ति इस इंसान को हमेशा कंट्रोल करता आया हो, वो इनके घर वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, किसी किसी के साथ, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि इस इंसान को अगले 3 दिन भी कोई पावरफुल व्यक्ति कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है और वो व्यक्ति उसमें नाकाम होने वाला है। जो भी व्यक्ति इस इंसान को कंट्रोल करता है वो इंसान नाकाम रहेगा, संघर्ष तो रहेगा लेकिन यहाँ पर विक्ट्री दिखाई दे रही है। किसी किसी के लिए आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो, आपके पर्सन ट्रैवल करके भी आ सकते हैं आपके पास। और देखते हैं, आप में से कोई एयर साइन भी हो सकते हैं, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। जो भी लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका लक आपको साथ नहीं दे रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका तो भविष्य ही अंधेरे में है, ऐसा नहीं है, आपका लक आपको साथ देने वाला है। बहुत बड़ी अचीवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपका गुड फॉर्चून, आपका जो लक है आपको साथ देने वाला है। कोई अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कोई चांस ऐसे मिलने वाला है, आप खुद को साबित कर सकते हो। कुछ हवा में बातें हो रहे हैं, हो सकता है आप किसी बात बहुत हल्के में ले रहे हो, तो ये आपको सोचना है। आप किसी बहुत ही ज़रूरी बात को ऐसे हल्के में ले रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। जो आपके लिए ज़रूरी है, जो एक्शन लेना ज़रूरी है, जो भी जिस वक्त जो एक्शन लेने ज़रूरी है वो आपको एक्शन लेने पड़ेंगे और आपका लक आपको साथ देगा। और सिचुएशन को हैंडल करना है आपको, या कुछ बातें ऐसी जो हिडन हो सकती है, ठीक है, तो समझो और आपका लक भी आपको साथ देगा। ये बातें यहाँ पर आई हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।